राम जी से तुम्हारी शादी होगी, वो तुम्हें कभी अलग नहीं करेंगे, बहुत सारा प्यार करेंगे। तुम्हारे हर पल को एक नया अर्थ देंगे। तुम मुझसे दूर हो जाओगे ना? सुन, थारी गुड़िया की शादी है और तू ऐसी रहेगी इन कपड़ों में, हैं? हाँ, मतलब थारी गुड़िया थारी बेटी जैसी है ना, है ना? बेटी जैसी है ना, तो तेरे को नए कपड़े पहनने चाहिए। ये कपड़े तो पुराने हैं, पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैं थारे लिए नए कपड़े लेकर आया। पर ये तो दुल्हन के कपड़े हैं, शादी तो। हाँ तो थारी गुड़िया की शादी नहीं है तो शादी में तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ना। है? तो ऐसा कर, जल्दी से जाके ये बदल के आ जा। है? मैं भी कपड़े बदल रहा हूँ, मैं भी नए पहन। बढ़िया शादी होगी। बढ़िया के भी नए कपड़े? हाँ। हमारे भी नए कपड़े? हाँ। आज चाहे धरती क्यों ना फट जाए अलबेड़ी, मैं थारे को ये मंगल सूत्र बनाकर ही रहूंगा। बहुत भागड़ी तुम्हारे से दूर। तुम्हारे लिए नहीं, नहीं अब, अब, हम ये नहीं पहन सकते। क्यों, क्या हुआ? पसंद नहीं आया? नहीं, कहा ना नहीं पहन सकते। लेकिन क्यों? आभा बिल्कुल ठीक कह रही है, नया मंगलसूत्र ऐसे नहीं पहनते। पहले उसकी पूजा की जाती है, हल्दी कुंकू के बाद में ही पहना जाता है। करण, एक काम करो, आभा को मंदिर ले जाओ, उसे मंगलसूत्र वहीं पहनाना। ओके, मंदिर चलते हैं। आज आपसे फिर से शादी कर ले। जी, केक एक बॉक्स में डाल के किचन में रख दीजिए। जी मैम। हमने केक बहुत प्यार से बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम सोच रहे हैं कि खुद ही केक काटकर पिताजी और आबा के यहाँ भिजवा देंगे। उनसे कह देंगे कि आपने भिजवाया है। लता जी, लता जी, I'm sorry। उम्मीद है आप हमें समझ सकती हैं। हमने हमारी जिंदगी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया जो आज तक हमने किसी को नहीं बताया। अब जानती है हमने कितना दर्द सहा है उन कड़वी यादों के कारण। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अनजाने में हम अपनों को ही दुख पहुंचाते हैं। आपका गुस्सा और आपकी नाराजगी सहने की शक्ति है हमें। हमें चिंता पिताजी की है। कल आपका गुस्सा देखकर वो काफी परेशान हो गए थे। बेटी के पिता है ना, बेटी की एक तकलीफ के एहसास ने ही उनका उनका चैन छीन लिया होगा। हम जानते हैं। के क्या ले आओ? कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है,
बरसातें अभी हैं बाकी, खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन जन्मदिन मुबारक हो। बाकी केक आप गाड़ी में रखवा। वो क्यों? ठाकुर साहब को चिंता हमारे वजह से हुई है और चिंता दूर करना अब मेरी जिम्मेदारी है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। गुड़िया, और तो चुप चुप बैठी रह ना। यहाँ पर कोई गुटा गुटे की शादी नहीं हो रही। हमारी शादी हो रही। चुप रह। चुप। हमने शादी नहीं करनी। हमें अम्मा के पास जाने छोड़ो। चुप। चुपचाप बैठ के शादी। लाडो कहाँ गए? लाडो ये लो पंडित जी, हवन की सामग्री रख दो। हम कहाँ बैठे? हाँ तू आ गई, आ जा, अठे बैठ जा, बैठ जा अठे। हाँ मारे पास। हाँ पंडित जी, फटाफट मंत्र शुरू कर। हाँ जल्दी। अरे रुकिए पंडित जी। क्यों? दूल्हा कहाँ है? दूल्हा? ओ, हाँ हाँ गुड्डा। ये देख, गुड्डा, हाँ मारे पास दूल्हा। हाँ, ऐसे ही पक्का। सुन, हाँ, दूल्हा घूंघट चढ़ा ले। क्यों? हम दूल्हा थोड़ी है। हम तो लाडो की अम्मा है, हमने लाडो का घूंघट पहनाया है। हाँ वो तो ठीक बात, पर ये ना रिवाज हो गए हैं, हैं? जब भी भगवान के सामने बैठते हैं ना तो सर ढक लेना चाहिए, भगवान नाराज हो जाते हैं। ढक ले, ढक ले, 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 पकड़, ले, एक, चला, चला। हाँ सुनिए, हमारे बेटी को कहीं देखा लाडो का? लाडो, लाडो, सुनिए भाई साहब, हमारी बच्ची को लाडो को कहीं देखा? करण, कौन से मंदिर जा रहे हैं? वहीं जो हर बार जाते हैं। चामरिया, वह मंदिर तो बस्ती के बहुत पास है, यो केसो संकट आ पड़ो है। पंडित जी जरा जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। अभी मुहूर्त में 10 मिनट बाकी है यजमान। वैसे होश होना चल रहा है, अगर अभी शादी होती है तो पति पत्नी में अनबन होती है, इसलिए हमें एक पूजा करनी होगी जिससे शादी की रस्म पूरी हो। हाँ पंडित जी, जो करना जल्दी करो। जैसे आपकी मर्जी यजमान। ऐसे पकड़ा। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सुसर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लाडो सुनो, हमारी बच्ची को कहीं देखा? लाडो, लाडो, भाई साहब, हमारी लाडो को कहीं देखा?
एक आदमी को देखा था आपके घर के तरफ जाते हुए, वो उसी के साथ जा रही थी। लंबा चौड़ा था, लंबे लंबे बाल थे, मूंछ थी, एक अजीब सा दिख रहा था वो। कोई नौटंकी करने वाला जैसा? हाँ शायद वैसे ही लग रहा था वो। जरूर ये वही लड़का होगा। वो धमकी भी दे रहा था ना, शादी करके रहेगा उससे। उसे ढूंढेंगे कहाँ? हाँ उस मामा को जरूर कुछ पता होगा इसके बारे में। कितने कर्मठ इंसान है ठाकुर साहब, इस उम्र में भी ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। ठाकुर साहब ये अकाउंट की फाइल्स छोड़कर जा रहा हूँ, जैसे आपको समय मिले तो आप इसको। ठाकुर साहब क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? ठाकुर साहब क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं राघव, बस हम जरा यूं ही। ये फाइलें ये हमें दे दो, हम अकाउंट्स चेक कर लें। ठाकुर साहब बात को छुपाने से मन का बोझ हल्का नहीं होता है, बताइए ना क्या बात है? राघव आभा की जिंदगी तो तकलीफों से घिरी रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका बदलता हुआ बर्ताव देखकर बहुत चिंता हो रही है। लता को लेकर हम निश्चिंत हो ही रहे थे कि कल की पार्टी में जो हुआ हमारा मन और भारी हो गया है राघव, इसीलिए हम आपसे माफी मांगने के लिए यहां आए ठाकुर साहब। लता जी ने बहुत दिल से सब इंतजाम किया था, आप भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे, लेकिन उस पल को हम जी नहीं सके। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि हम। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो राज, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो उसका अपना होता है, उसका निजी होता है। बेटा हर एक को अपने हिस्से के दुख खुद ही भोगने पड़ते हैं, उसे नहीं भोगता है उसे मुक्ति नहीं मिलती। बेटा जो इंसान अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को हंसकर मुस्कुराकर स्वीकार कर लेता है, तो उसके जीवन में जो कठिनाइयां होती है ना, तो उनसे मुक्ति पा लेता है। और कहते हैं कि जब सामने उज्जवल सवेरा हो तो गुजरी हुई रात की कालिख से घिरा रहना ना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है बेटा। देखो हम नहीं जानना चाहते हैं कि बात क्या है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी जो भी मुश्किल है, जो भी, उसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको अच्छी तरह से समझ सकता हूं ठाकुर साहब। लीजिए कल लता जी बड़े प्यार से एक केक ले आई थी, लेकिन हम सब उसे खा नहीं पाए, इसलिए खुद लेके आया। खुश रहो बेटा और खूब तरक्की करो और हमेशा हमेशा ऐसी ही मीठी जुबान के बने रहो। जानते हैं ठाकुर साहब कि लता जी को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, जब अपने ही अपनों को दुख देते हैं तो
उस दर्द को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि इसके बाद हमारी वजह से लता जी को कोई दुख नहीं है। नटवर जी का घर कहाँ है? हमें उनसे मिलना है। जी वो यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? अब तो किसी दारू की दुकान पे होंगे। वो दुकान किस तरफ है? वो इस तरफ है। सुनिए सुनिए, वो लड़का हमारे लाड़ों को भगाकर कहीं ले गया है। पता नहीं कहाँ ले गया हमारे बच्चे को। आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। मैं भी बहन जी थारे पास ही आ रहो थो। मन्ने अभी अभी पंडित से मालूम चलो है कि बात झमरू अलबेली से ब्यार अचाने मंदिर गयो है। आप चिंता ना करो, आप हमारे साथ चलो। वो जरूर बस्ती के बगल वाले मंदिर में गए होंगे। चलिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आप मंत्रोच्चार के साथ आहुति दीजिए। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। अरे बेटी ये क्या कर रही है? इसे विधि में विघ्न आ सकता है। आप अपने हाथ से आहुति डालिए। पर वधु तो हमारी गुड़िया है ना, तो गुड़िया आहुति देगी। सुन सुन, जैसा पंडित जी कह रहे हैं वैसा ही कर। उनसे ज्यादा मान लो कितने। पर शादी तो हमारी गुड़िया की है और यही मधु है। आहुति हमारी गुड़िया देगी। बहुत हो गया तेरे गुड़िया का नाटक। नहीं, नहीं, छोड़ो हमारी गुड़िया को। अरे इसकी शादी करनी है, छोड़ो उसको। गुड़िया की कोई शादी ना है। चुप अरे यजमान जी आप ये क्या कर रहे हैं? पंडित तू ये वेद पुराण का नाटक मत सिखा मेरे को। चुपचाप बंतर पड़ो और शादी करा हमारी। हमें शादी नहीं करनी। चल सावन पर। हमें शादी नहीं करनी। चल तो जल्दी मंदिर पर। ओम चुपचाप बैठ। आज हम स्वाहा। सीधे बैठ। ओम की मम्मी पापा बाहर गए हैं, तब तक पावनी हमारे साथ खेलेगी, है ना बाबू? अबू अरे वाह, आज दादी के साथ खूब मस्ती हो रही है ना? मम्मा कहाँ गई तुम्हारी पावनी? चाची को बोलो मम्मा पापा मंदिर गए हैं। पापा मम्मा के लिए नया मंगलसूत्र लेकर आए हैं ना, वहीं पहनाएंगे, है ना? ये अलबेली तो आभा बनती जा रही है और मेरा ही पत्ता साफ करने की कोशिश कर रही है। पर मैंने भी अपना दाव खेल लिया है अलबेली, और बहुत जल्द तुझे पता भी चल जाएगा। भैया जरा तेज चलाओ ना, जल्दी करो।
कहीं उस कमीने झुमरू ने शादी न कर ली हो आभा से अलबेली समझ के। कहाँ को गई? हम कुछ नहीं, अब आप जाइए, हम प्रसाद लेकर आते। जल्दी आना। जल्दी कर। चुप।